हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोगों का पहला क्लास है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सी सैट, और मैं राहुल सिंह इस कोर्स को कंडक्ट करूंगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आप सबको मैं अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, बहुत सिंपल तरीके से, नए नए ट्रिक्स, नए नए कंसेप्ट आपको दिखाऊंगा। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट की ज़रूरत होती है, तो वो सारी चीज़ों पे हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ। मैं एक प्लस एडुकेटर हूँ अन अकेडमी पे। मैं डिकोड बैंकिंग के लिए, बैंक पीओ के लिए क्लासेस करवाता हूँ। स्काई हाई इंस्टीट्यूट में क्लास करवाता हूँ। प्रेपायर्स के लिए सी सैट करवाता हूँ। मैंने विंसन आईएएस के लिए काम किया है, रिपब्लिक आईएएस के लिए काम किया है, और मेरे अराउंड 4 to 5 years के एक्सपीरियंस है सी सैट पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, रीजनिंग पे। और मैंने अभी तक अराउंड 5,000 से ज़्यादा बच्चों को क्लासेस करवाए हैं। मेरी अपनी बुक है, बट वो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल पे है, जो कि अमेजन पे है। चलिए अब हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, और हमारा आज का पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नाउ पहले तो ये समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर्स क्या होता है, पहले आप ये समझने की कोशिश करें। तो नंबर्स में हमें ये पता है कि नंबर्स इज नथिंग बट फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स। जब आप एक डिजिट्स या नंबर डिजिट्स को फॉर्म करते हो तो आप एक नंबर बोलते हो। सर ये डिजिट्स क्या होते हैं? तो हमें पता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दीज आर द डिजिट्स। और जब ये डिजिट्स एक साथ कंबाइंड होते हैं तो वो नंबर बनते हैं। अब अगर सिंगल डिजिट है तो वही सिंगल डिजिट वो एक नंबर होगा। अगर वो दो डिजिट है तो वो दो डिजिट कंबाइंड होकर नंबर होगा, और सेपरेटली वो एक डिजिट है। तीन डिजिट है तो तीन डिजिट सेपरेटली उसको मैं डिजिट कहूंगा, और जब कंबाइंड करूंगा तो उसे मैं नंबर कहूंगा। तो नंबर सिस्टम इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डिजिट्स विच इज कॉल्ड एज अ नंबर। और इसके जो सिस्टम है, इसके जो कंसेप्ट है, वो हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। इसके अंदर में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, इसके अंदर में हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ते हैं, इसके अंदर में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, फैक्टोरियल्स को समझते हैं, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ये सारी चीजें नंबर सिस्टम के अंदर में आती है। डिफरेंट पूरे नंबर ट्री को यहां पे समझा जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने डिविजिबिलिटी रूल के कंसेप्ट से। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू। जब वो नंबर टू से कब डिविजिबल होगा? जब उसके लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होंगे, या मैं सिंपल कहूं तो एक इवन नंबर होगा। जैसे कि 4, 5, 6, 8, 2, 9, 8, 0। अब इतनी बड़ी नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या वो डिवाइड होगा? तो हमें सब चेक नहीं करना, सिर्फ अपने को लास्ट डिजिट चेक करना, अपने को यूनिट डिजिट चेक करना है। और वही यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो 2 से डिवाइड होता है। आई होप दिस इज क्लियर। कि लास्ट डिजिट हमें पूरे सेट ऑफ नंबर्स में सबको नहीं देखना, सिर्फ लास्ट डिजिट जिसको हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं वो चेक करेंगे। अगर वो 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो 2 से डिविजिबल। नेक्स्ट आता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आप अपने डिजिट्स को, सारे डिजिट्स को सम अप कर लो। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। 4, 8, 9, 2, 1, 3 मान लो ये नंबर है। तो जब आप इसको सम अप करोगे तो आप ये चेक करते हो कि भाई सम करने पे अगर उसको टोटल जो करेंगे वो नंबर क्या 3 से डिवाइड होगा। अब मैं तुमको इसका थोड़ा ट्रिक दिखाऊंगा कि डिविजिबिलिटी रूल को कैसे मैं और इजी कर सकता हूं, मतलब ये जो सम अप है उसको मैं कैसे इजी कर सकता हूं। अगर आप इसको नॉर्मल सम अप करेंगे तो 4 + 8 = 12, 12 + 9 = 21, + 2 = 23, + 1 = 24, + 3 = 27, 27 by 3। अभी मान लो एक बहुत बड़ा नंबर आ गया, 27 से भी बड़ा आ गया,
कुछ 70-60 में आ गया। अब तुमको 3 का टेबल फॉर एग्जांपल याद नहीं, तो इनको वापस प्लस कर दो। 2 और 7 को अगर वापस प्लस करेंगे तो 9 होता है। तो ये तो पता है कि सर 9 तो 3 से डिवाइड होता है, मतलब क्योंकि ये सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अब मैं तुमको सम करने का एक तरीका दिखाता हूं जो आगे भी काम आएगा, 3 के केस में, 6 के केस में, 9 के केस में ये काम आएगा। तो सम करने के लिए ना एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। मान लो मैं एक नंबर लिखता हूं 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 9, मान लो इतना बड़ा नंबर है। अब इतने बड़े नंबर को प्लस करने में सर मुझे टाइम लगेगा, तुम क्या करो, बहुत सिंपल तरीका, मत प्लस करो। सर क्या करें, आप ये देखो कि हमें जोड़कर 9 करना है। 9 जैसे होगा उसको आप एलिमिनेट कर देंगे। क्या करना है, 9 खोजना है, मतलब कोई भी दो तीन डिजिट या एक डिजिट जो प्लस करके 9 हो, जैसे 4 और 5 9 होता है, भूल जाओ, समझ में आ गया, कोई प्लस करने की जरूरत, 4 और 5 9 होता है, 9 होते उसको एलिमिनेट कर दो, छोड़ दो। सर 6 और 3 9 होता है, भूल जाओ, 7 और 2 9 होता है, भूल जाओ, 8 और 1 9 होता है, आप भूल जाओ, 4 और 5 भी 9 होता है, वो भी भूल जाओ, और 9 तो ऑलरेडी 9 है, इसका मतलब ये नंबर जो है इसका वैल्यू क्योंकि 0 आ रहा है, दैट इज डिविजिबल बाई 3। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप इसको प्लस करते तो क्या करते, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 दैट इज 15, 15 प्लस 7 22 प्लस 8 30, 31, 33, 36, 40, 45 प्लस 9 54 बाई 3। अभी सर हमको 54 पता नहीं है कि 3 से डिवाइड होगा, तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको वापस प्लस कर दो, 9 डिवाइड बाई 3, यस सर 9 इज डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इट इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 3। कहने का मतलब हुआ आपने भी देखा कि हमें प्लस करने में दो नुकसान है, एक टाइम कंज्यूम होगा, दूसरा हो सकता है 6 प्लस 9 15 होगा, गलती से 14 कर दिए, 16 कर दिए, मे हैपन। तो मैंने क्या कहा, एक बार फिर से एक नंबर दिखा देता हूं, मान लो 8, 2, 6, 8, 4, 1, 2, 5, कोई भी मैं नंबर दे रहा हूं, 9, 0, समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, वो खोजूंगा जो 9 बना रहा है। सर ये 9 ऑलरेडी है, 5 और 4 9 बनता है, 8 और 1 9 बनता है, और कोई 9 नहीं बना रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16 प्लस 2 18, तो मेरे पास क्या बचा, 18 बचा। समझ में आ रहा है? अब 18 क्या 3 से डिवाइड होता है? हाँ डिवाइड हो रहा है, ये हो ही सकता है। अब वो अगर मान लो यहां पर 1 होता तो ये 18 की जगह 19 आ जाता, तो ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये थी कि आप सबको प्लस नहीं कर रहे हो, आप उस वो करने की कोशिश कर रहे हो कि 9 खोज रहे हो, वो दो नंबर को खोज रहे हो जो 9 बना रहा, जैसे 9 बना रहा उसको काटना शुरू किए, आपके लिए चीजें इजी हो गई, परफेक्ट है, क्लियर है? तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 इज क्लियर। इफ द लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, पूरे सेट को नहीं देखना है, लास्ट दो डिजिट को चेक करना है, अगर वो है तो वो 4 से डिविजिबल है, मतलब लास्ट टू डिजिट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी क्वेश्चन की तरफ मूव करूं तो मेरे पास यहां पे क्या मिल रहा है, 1 और 3, अभी 1, 3 दैट इज 13 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, दिस इज नॉट डिविजिबल। अब इस केस में जाके देखिए तो मेरे पास मिल रहा है 80, लास्ट टू डिजिट चेक करना है, 4 से डिवाइड हो रहा है, यस सर, क्लियर। 5 के लिए सिंपल सा केस है, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो 5 भी क्लियर हो गया। 6 का रूल क्या है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, मतलब उसको दो कंडीशन पूरा करना होगा, 2 भी और 3 भी। अच्छा मेरे को एक बात बताइए सर, अगर आपको किसी नंबर को चेक करना है कि वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं,
तो एक कंडीशन बोला गया कि इट शुड बी डिविजिबल बाई टू एंड इट शुड बी डिविजिबल बाई थ्री। नाउ नोट माई पॉइंट, किसको सबसे पहले चेक करेंगे? हमेशा टू को पहले चेक करना, क्योंकि टू अभी जैसे मान लो ये नंबर है, यहां पर मुझे दिख गया कि ये टू से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्यों मेहनत करेंगे प्लस करने का? बात समझ में आया? पहले देख लो कि लास्ट डिजिट क्या इवन नंबर है, अगर वो टू से डिविजिबल है तो मेहनत करेंगे थ्री के प्लस करने पे, वरना मेहनत नहीं करेंगे। सेवन को थोड़ा स्पेसिफिकली आगे पढ़ाएंगे, होल्ड रखिएगा। एट की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि टू के लिए लास्ट टू डिजिट होता है। देखो मैं एक चीज आपको बहुत सिंपल सिखाता हूं, देखना, टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर, कुछ भी हो टू के, तो इसको मैंने क्या देखा, ये टू का पावर वन है, ये टू का पावर टू है, ये टू का पावर थ्री है, ये टू का पावर फोर है, टू का पावर फाइव, टू का पावर सिक्स। अगर पावर वन है तो लास्ट वन डिजिट देखेंगे, अगर पावर टू है तो लास्ट टू डिजिट देखेंगे, पावर थ्री है तो लास्ट थ्री डिजिट देखेंगे। मजा आया सर? फोर है तो लास्ट फोर डिजिट देखेंगे। दिस इज द ट्रिक। तो याद नहीं करना, चीजों को कनेक्ट करो, कितनी चीजों को याद करोगे। ओके, नाइन का रूल और थ्री का रूल सेम है, सम करना है इसको, अगर वो थ्री से डिवाइड होगा तो थ्री से डिविजिबल है, नाइन के लिए सम करना है, अगर वो नाइन से डिवाइड होगा तो वो नाइन से डिवाइड होता है। यस yes. अभी मुझे पता है कि हर वो नंबर जो थ्री से डिवाइड होगा, हर वो नंबर जो थ्री से डिवाइड होगा वो जरूरी नहीं कि नाइन से डिवाइड हो, लेकिन हर वो नंबर जो नाइन से डिवाइड होगा वो थ्री से जरूर डिवाइड होगा। ये बात तो अग्री करते हो गया, क्लियर है? ओके, नाउ टेन के डिविजिबिलिटी रूल को देखते हैं, लास्ट डिजिट जीरो होना चाहिए। फाइव का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहा, लास्ट डिजिट जीरो और फाइव होना चाहिए। टेंथ का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट जीरो होना चाहिए। इलेवन क्या कहता है, इलेवन के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका, मैं नंबर लिख के दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है फोर फाइव सिक्स एट टू वन, कोई भी, अभी मुझे चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है ये आप देखिएगा, आपको यहां से चेक करना है, ये पहला डिजिट है यानी ऑड डिजिट है, ये इवन ऑड इवन ऑड इवन, कोई दिक्कत? अब सारे ऑड को प्लस करेंगे, वन प्लस एट प्लस फाइव कितना हुआ, वन प्लस एट नाइन, नाइन प्लस फाइव फोर्टीन। अब सारे इवन को प्लस करेंगे, फोर सिक्स और टू, फोर और सिक्स टेन, टेन प्लस टू ट्वेल्व। इन दोनों का डिफरेंस अगर जीरो या इलेवन आएगा तो ही वो इलेवन से डिविजिबल होगा, वरना वो इलेवन से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? आइए एक बार पढ़ते हैं। Subtract the last digit from the number formed by the remaining digit. ये छोड़ दो ट्रिक को, ये लंबा सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस मेरा सिंपल प्रोसेस है। क्या प्रोसेस कहा मैंने, ऑड डिजिट को, सारे डिजिट्स में ऑड डिजिट्स को पकड़ो, उनको एक दूसरे से प्लस करो, फिर इवन डिजिट्स को पकड़ो, उन सब को एक दूसरे से प्लस करो, जो भी डिफरेंस आएगा, अभी इवन का सम ऑड का सम का डिफरेंस करेंगे, अगर उसका डिफरेंस जीरो है तो वेरी गुड, वो 11 से डिविजिबल है, और या तो उसका डिफरेंस 11 है तो भी वो डिविजिबल है। अभी जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लो 1331, ये हमको पता है ना 11 से डिविजिबल होता है, तो देखो इसको तो मैं ऐसे भी देख सकता हूं, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0, डिविजिबल बाई 11, गेटिंग माई पॉइंट? तो सिर्फ ऑड डिजिट और इवन डिजिट्स के डिफरेंसेस को देखना, सम ऑफ ऑड डिजिट लेस सम ऑफ इवन डिजिट। सर इवन माइनस ऑड करेंगे कि ऑड माइनस इवन? बाबा इसके पीछे क्यों पढ़ते हो, डिफरेंस चाहिए,
डिफरेंसेस के लिए मैं माइनस प्लस का साइन नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ डिफरेंस देख रहा हूं। दिस माइनस दिस के कंसेप्ट में मत जाओ। ओके, 12 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि वो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 3 और 4। अभी एक बात बताओ, अगर 12 चेक करना है तो पहले 3 चेक करेंगे कि पहले 4? सर पहले 4 चेक करेंगे कि पहले लास्ट दो डिजिट देख लेंगे। अगर वो 4 से डिविजिबल है तब तो आगे जाके 3 से चेक करेंगे, वरना चेक ही नहीं करेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन आता है मेरे भाई, इसको आप सीरियसली लेना। ओके, और ये बेसिक मैथमेटिक्स भी। अब मैं तुमको एक रूल बताता हूं, वो लिखो, रूल ऑफ ट्रिपलेट। दिस रूल ऑफ ट्रिपलेट कैन बी अप्लाइड फॉर 7, 11 एंड 13। रूल ऑफ ट्रिपलेट मतलब ये कहता है कि मान लो मैं एक नंबर देता हूं, 5 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 5। ओहो सर, इतना बड़ा नंबर आपने दे दिया, अभी मैं ऑड इवन चेक करते तो मैं सो जाऊंगा। सुनो सुनो, ट्रिपलेट क्या कहता है? ट्रिपलेट ये कहता है कि दिस दिस इसके डिफरेंस, दिस एंड दिस इनके डिफरेंस। बात समझ में आ रहा? रूल ऑफ ट्रिपलेट, छे छे का ग्रुप बना लो, या तीन तीन का बनाओ या छे छे का बनाओ। अगर कंसेक्यूटिव नंबर से तो छे छे के बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिफरेंट नंबर से तो तीन तीन के ग्रुप बनाओ। तो दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, 0 माइनस 0 0। 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर 5 मान लीजिए ऐसे है, फर्स्ट नहीं 100 डिजिट्स कंटेनिंग 3, बताइए 7 से, 11 से और 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? क्वेश्चन देखो कितना छोटा है, लेकिन देखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसे करके दे दिया 333333333 100 टाइम्स, आपको बोल दिया। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है ये 100 टाइम्स 3 लिखा हुआ। अभी हमने अभी क्या देखा कि भाई 6 6 का ग्रुप बन रहा है, ना? जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो 6 6 के ग्रुप बन रहा है, मतलब 3 और 3 ये 0 बनता है। समझो, फिर से समझो, 3 और 3 दो ग्रुप हुए जिसका डिफरेंस 0 होता है। तो अपने को क्या दिखा कि 6 जो नंबर है वो अल्टीमेटली 0 बना रहा है, क्योंकि आप 3 3 का ग्रुप बना के चेक कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे। क्यों 100 को 6 से डिवाइड? क्योंकि 100 टाइम्स 6 है। तो हमें दिखा कितने से जा रहा है ये, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जा रहा है ये, 6 से गया, रिमाइंडर बताने का है 4। यस और नो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 पक्का? तो 100 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ रहा है। कहने का मतलब है 96 टाइम्स जो 3 है, 96 टाइम्स जो 3 है वो तो 7 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है। हाँ या ना? 96 टाइम्स जो 3 है वो कैसे आया सर? 3 3 का जो आपने ग्रुप बनाया था वो बनाया 96, 3 3 3 3, तो 6 6 हुए ना, तो 6 6 के हमने ग्रुप देखे कि भाई वो तो 0 दे रहा है। तो 96 टाइम्स 3 तो ऑलरेडी काम हो गया। अभी बचा क्या मेरे पास? 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स का मतलब हो गया 3 3 3 3। अब इसको आप नॉर्मली 7 से डिवाइड करके चेक कर लो, अगर वो डिवाइड होता है तो 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा तो नहीं होगा। अभी 11 से तो डिवाइड होगा, ये तो श्योर है। अब 13 से होगा कि नहीं होगा वो आप टेबल चेक कर लो। तो भैया आपका समय बच गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रूल ऑफ ट्रिपलेट। डू रिमेंबर 7 11 13 के लिए रूल लगता है, 3 3 का ग्रुप बना लो और काम आपका हो जाएगा।
ओके अब हम आगे बढ़ेंगे और यूनिट डिजिट के तरफ मूव करेंगे। यूनिट डिजिट पे बहुत तरीके से क्वेश्चन आता है। यूनिट डिजिट पे क्या कहता है, चीजों को प्लीज थोड़ा सा याद रखना होगा। यूनिट डिजिट फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मान लो तुम्हारे पास एक नंबर है 451 और उसके पावर में दिया हुआ 1008। अब आपसे पूछता है कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है करना? नहीं सर। तो हम क्या करेंगे ये समझना आपको, आपको करना क्या होगा, वन का पावर में जो भी होगा, वन का मतलब आप अपने लास्ट डिजिट चेक करो, आपका यूनिट डिजिट क्या है, वन है, तो वन के पावर में कुछ भी होगा इट विल ऑलवेज गिव यू वन। वन पावर वन इज वन, वन पावर टू इज वन, वन पावर थ्री इज वन, वन पावर फोर इज वन, यस और नो? तो वन के पावर में जो भी होगा दैट इज डिविजिबल बाई दैट इज द आंसर इज वन। मतलब वन के पावर में एन जो भी होगा वो वन ही देगा। क्या यहां तक क्लियर है आपको, अच्छे से क्लियर है यूनिट डिजिट की पहली बात? ओके सर। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फाइव के यूनिट डिजिट क्या होंगे? फाइव का पावर एन जो भी होगा वो हमेशा फाइव ही देगा, नहीं क्या? 455 पावर में वन भी है तो लास्ट में फाइव ही आएगा, टू भी है तो लास्ट में फाइव ही आएगा, थ्री है तो भी लास्ट में फाइव आएगा। फाइव वन जा फाइव, फाइव का पावर टू 25, फाइव का पावर थ्री 125, फाइव का पावर फोर 625। सबके लास्ट डिजिट फाइव है, सबके यूनिट डिजिट फाइव है, कोई दिक्कत? सर जीरो भी बता दे क्या? जीरो का तो आंसर जीरो ही होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एनीवेज सिक्स के केस में, सिक्स का पावर जो भी होगा वो भी सिक्स ही होगा। मैं इसको संभल करूंगा एक बार में, क्या दिखा? जीरो, वन, फाइव, सिक्स, अगर वो यूनिट डिजिट पे है तो उसके पावर में क्या है मेरे लिए मतलब नहीं रखता, उसका आंसर जीरो, वन, फाइव, सिक्स ही होगा। मतलब जीरो अगर यूनिट डिजिट में है, पावर कुछ भी हो जीरो होगा, वन अगर यूनिट डिजिट पे है उसका पावर कुछ भी हो वन होगा, फाइव यूनिट डिजिट पे उसके पावर में कुछ भी हो फाइव होगा, सिक्स अगर यूनिट डिजिट में तो उसके पावर में कुछ भी हो सिक्स होगा। क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। फोर के केस में अगर यूनिट डिजिट, अगर पावर ये जो एन है अगर ये ऑड नंबर है तो वो फोर देगा, और फोर के पावर में एन अगर कोई इवन नंबर है तो वो क्या देगा? सिक्स देगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सर फोर पावर वन गिव्स मी व्हाट? फोर। फोर पावर टू गिव्स मी व्हाट? 16। फोर पावर थ्री गिव्स मी व्हाट? 64। तो क्या दिख रहा है? फोर पावर फोर गिव्स मी व्हाट? 256। यस और नो? क्या दिखा? अगर पावर एक ऑड नंबर है तो फोर आया, पावर एक ऑड नंबर है तो फोर आया, पावर अगर इवन नंबर है तो सिक्स आया, हा या ना? नाइन के केस में भी सेम होगा, नाइन के पावर में अगर एन है और वो अगर एक ऑड नंबर है तो वो सेम नंबर देगा, नाइन पावर वन नाइन, लेकिन अगर नाइन के पावर में एन एक इवन नंबर है तो वो आपको वन देगा, हाँ या ना? पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? रिपीट कर देते हैं, जीरो, वन, फाइव, सिक्स, पावर में कुछ भी हो वही वैल्यू आएगा, फोर और नाइन अगर पावर में ऑड नंबर है तो फोर या नाइन मतलब सेम नंबर आएगा, और अगर इवन है तो फोर के केस में सिक्स आएगा, नाइन के केस में वन आएगा। क्लियर?
वेरी गुड सर, लास्ट इज 2378। इसके लिए क्या करना रहता है, हम क्या करेंगे, हम इनका पावर को ये चेक करेंगे। जैसे मान लो 451 पावर में 1007 क्या है, 451 पावर, सॉरी 51 नहीं होगा, 452 कर देते हैं, क्योंकि वन का तो वन ही रहेगा, 452 पावर में 1007। क्योंकि टू हमारे स्पेशल केस में नहीं आता, थ्री हमारे स्पेशल केस में नहीं आता, सेवन हमारे स्पेशल केस में नहीं आता, एट हमारे स्पेशल केस में नहीं आता, तो क्या करेंगे, जो हमारे स्पेशल केस में नहीं आएगा उसके पावर को फोर से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, उसके पावर को फोर से डिवाइड करेंगे। अभी आप कहोगे कि सर पावर को फोर से डिवाइड करने के लिए तो फोर का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था, लास्ट का दो डिजिट चेक करो। क्या चेक करो, लास्ट का दो डिजिट चेक करो। लास्ट का दो डिजिट चेक करने के बाद दिखा कि थ्री रिमाइंडर आएगा, आ रहा है ना, हम क्या करेंगे, इस यूनिट डिजिट को टू को पावर ऑफ थ्री करेंगे। अभी टू पावर ऑफ थ्री क्या होता है, एट होता है, तो आंसर हो जाएगा मेरा एट। आई रिपीट, इन केस ऑफ स्पेशल केस दैट इज 2, 3, 5 एंड 8, अपने पावर को फोर से डिवाइड करो, अपने पावर को फोर से डिवाइड करो। पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, लास्ट टू डिजिट डिवाइड करेंगे, हम डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ के आए हैं। जब लास्ट टू डिजिट को फोर से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट वन रिमाइंडर, और वो रिमाइंडर से हमको जो रिमाइंडर मिलेगा हम उस रिमाइंडर को सॉल्व करेंगे। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है आप सबको? ओके ग्रेट, एक लास्ट सम्स देख लेते हैं इस पे। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा नंबर 7298 पावर में 547, 7298 पावर में 547। अभी जब इसका डिविजिबिलिटी रूल फोर से चेक करेंगे, क्योंकि एट इज इन अ स्पेशल केस, स्पेशल केस है, स्पेशल केस में हम इसको फोर से डिवाइड करेंगे। क्या पूरे नंबर को करेंगे? नो सर, लास्ट दो डिजिट को करेंगे। 47 डिवाइडेड बाय 4 कितना बचा मेरे पास रिमाइंडर, रिमाइंडर 3। अब अपने यूनिट डिजिट को पकड़ो 8, रिमाइंडर को पकड़ो 3, ये जो तुम्हारा आंसर होगा 8 पावर 8 कितना होता है। अब आप बोलोगे सर हमको 8 पावर 3, अब आप हमको बोलोगे सर हमको 8 पावर 3 याद नहीं, हम थोड़े कमजोर हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या करो, 8 पावर 2 हमको पता है 64, ये तो पता होना चाहिए 8 का स्क्वायर, और एक 8 और, पूरा नंबर डिवाइड नहीं करना मेरे भाई, 4 into 8 32 होता है, लास्ट में 2 आएगा, आंसर आ गया। समझ में आया क्या, ऐसे 8 पावर 3 को कितना होता है आप चेक कर लेना, उसका लास्ट डिजिट 2 ही होता है, यस और नो? 512 होता है ना मेरे भाई, तो 512 मतलब 2 लास्ट में, तो कहने का मतलब इसको जितना तोड़ दोगे ना उतना अच्छा रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। स्पेशल केस दो ग्रुप में डिवाइड, तीन ग्रुप में डिवाइड हुआ, 1, 2, सॉरी 0, 1, 5 एंड 6, 4 एंड 9, और रिमेनिंग 2, 3, 7, 8। इसका सेम रहेगा, इसका ऑड हुआ तो सेम आएगा, इवेन हुआ तो 4 के केस में 6 आएगा और 9 के केस में 1 आएगा। देखो इसका रूल भी है, 4 प्लस 6 10, 9 प्लस 1 10, खैर उससे दिमाग मत लगाओ। इसके लिए पावर को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको यूनिट डिजिट से चेक करेंगे, यूनिट डिजिट का रिमाइंडर कर देंगे, आंसर आ जाएगा, पूरे नंबर से जरूरत नहीं है, तो यूनिट डिजिट इंपॉर्टेंट है। ओके सर, तो यूनिट डिजिट आपके दिमाग में क्लियर हुआ। अभी मान लो आपसे कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ जीरोस, अब आप बोलोगे सर हमने आज तक तो कभी यूनिट डिजिट का सम्स नहीं देखा सी सेट में, हमने तो आज तक नंबर ऑफ जीरोस का सम्स नहीं देखा सी सेट में। बेटा देखे नहीं हो, देख सकते हो ना,
अब पूछोगे सर ये कैसा बात हुआ, अगर आप 2020 का पेपर उठा के देखोगे, सॉरी 21 का, तो आपको दिखेगा 7 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा है। क्या पूछा है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा है, कैसे करोगे? रिमाइंडर थ्योरम पूछा है, कैसे करोगे? पूछ दिया ना फर्स्ट टाइम, कुछ भी पहली बार हो सकता है। ओके, नंबर ऑफ जीरोस बड़ा सिंपल है। अगर मान लो किसी फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरोस पता करना है, किसी भी फैक्टोरियल का। सर ये फैक्टोरियल क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैं इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, वैसे मैं समझा देता हूं। मान लो 6 फैक्टोरियल बोलता है तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही है फैक्टोरियल का मतलब। मान लो 45 फैक्टोरियल बोलता है तो 45 × 44 × 43 ऐसे ही मूव ऑन करेगा 1 तक। अब आपसे पूछता है कि बताओ 45 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे? बहुत तकलीफ है सर, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, मैं तुमको पहले एक छोटे नंबर से दिखाता हूं। 6 फैक्टोरियल है ना, कुछ नहीं करना, खाली 5 से डिवाइड करो, कोई भी फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करो, ठीक है? व्हाट आई एम गेटिंग, फैक्टोरियल को भूल जाओ, 6/5, व्हाट आई एम गेटिंग, 1। अभी 1 फर्दर 5 से डिवाइड नहीं होगा, सो द आंसर इज 1, एक ही बार 0 होगा। करके देख लो, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता 720, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हुए? एक। हाँ या ना? नहीं समझा क्या? क्लियर है? यस सर। घर पे एक बार 8 फैक्टोरियल करना, तो 8 मैं एक बार करवा ही देता हूं। 8 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया? 8/5। सर 8/5 कर रहे हैं तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आया? 1 आया। और 8 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 40320, नंबर ऑफ जीरो 0। बेटा इस जीरो का मतलब कोई महत्व नहीं होता, ये जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वी जस्ट ओनली चेक दिस। समझ में आया? सर 45 फैक्टोरियल एक बार बता दीजिए। हाँ बता देते हैं, 45/5 क्या करोगे? सर ये डिवाइड हुआ, कितना बचा? 9। वेरी गुड। अब ये वापस 5 से डिवाइड हो सकता? हाँ, आगे फिर डिवाइड करेंगे, 9/5 कितना आया? 1। अब क्या ये वापस डिवाइड होगा? नहीं, इन दोनों को प्लस कर दो, आंसर इज 10। सो नंबर ऑफ जीरोस इज 10। क्लियर? ओके, जस्ट लास्ट वन, 4 या 84 फैक्टोरियल, तो क्या करेंगे? 84 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आया मेरे पास? 84 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 से जा रहा है, फिर 16 वापस 5 से डिवाइड होगा तो 3 से जा रहा है। अब ये वापस डिवाइड नहीं होगा 3, इन दोनों को प्लस कर लो, तब तक करो जब तक वो डिवाइड वापस ना हो पाए। तो नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना हो गया? 19। कभी घर पे चेक कर लेना। सो क्लियर है मेरे भाई, द डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लियर हो गया। अब लास्ट एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के लिए देखो, रिमाइंडर थ्योरम है तो बहुत बड़ा समुंदर, ठीक है? तो इसमें हालांकि फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, बट एज पर द लेवल क्वेश्चन बहुत इजी था, तो ये समझ में आया कि जो इजी वाले रिमाइंडर थ्योरम वाले कंसेप्ट है वही पूछे जाएंगे। जैसे कि मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया, 452 पावर में 589 डिवाइड बाई 10, बोल रहा है कि इसका रिमाइंडर थ्योरम में व्हाट विल बी द रिमाइंडर, क्या पूछा जा रहा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे हम इसको? तो क्या करना है सुनो, हमें अपने पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करना होगा। क्या सॉल्व करना होगा? न्यूमरेटर को। अभी न्यूमरेटर के यूनिट डिजिट पे क्या है? 2 है। अच्छा, यूनिट डिजिट पे 2, फर्स्ट केस, सेकंड केस या थर्ड केस? यस, थर्ड केस। थर्ड केस क्या कहता है? इसको 4 से डिवाइड करो। तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या बचा? 2 पावर में 1। क्या बचा? 2 पावर में 1।
88 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स मी रिमाइंडर 1. 2 पावर 1 डिवाइड बाय 2, 2 बाय 10 रिमाइंडर इज 2. कहने का मतलब हुआ जो भी आपके न्यूमरेटर में आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा. क्यों सर ऐसा क्यों हुआ? सर ये 2 कैसे आया? इसके पहले भी तो 2 के पहले भी तो कुछ नंबर्स होंगे. हम मान लेते एक कोई भी नंबर जो तुम्हारा मन करे, 1 2 3 4 5 6 जो तुम्हारा मन करे आप उसको पुट कर दो. 1 भी पुट करोगे तो 12/2 रिमाइंडर कितना होता है? 2. 32/2 भी करोगे, 10 करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 2. 412/2 भी 10 करोगे तो 410 डिवाइड हुआ, रिमाइंडर हुआ 2. कहने का मतलब है कि अगर लास्ट डिविजिबल हमको डिवाइड अगर हमको 10 से करना है, पहले नॉर्मल यूनिट डिजिट सॉल्व करें. यूनिट डिजिट सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे. अभी डिवाइड नहीं करना, जो भी तुम्हारा फाइनल न्यूमरेटर आएगा वही तुम्हारा रिमाइंडर होगा. 2021 के क्वेश्चन पेपर आपके होमवर्क में रहेंगे. 2021 के क्वेश्चन पेपर आपके होमवर्क में रहेंगे. डू रिमेंबर दिस. इसको ट्राई करना और खुशी फील होगा क्योंकि आप सॉल्व कर पाए. ओके, सो क्लियर है. रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 10 मैंने आपको बता दिया. रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 2 क्या होगा? रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 2 क्या होगा? तो 2 का रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? सेम वे फर्स्ट सॉल्व न्यूमरेटर, वो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि न्यूमरेटर सॉल्व करना, वैसे ही न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे. न्यूमरेटर को सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको 2 से डिवाइड करना. अगर न्यूमरेटर एक ऑड नंबर होगा तो रिमाइंडर होगा 1, और अगर न्यूमरेटर एक इवन नंबर होगा तो रिमाइंडर होगा 0. नहीं गया, मान लो तुम्हारे पास आंसर आया 1, तो उसके पहले कुछ 41 हो सकता है, 51 हो सकता है, 61 हो सकता है. समझ में आ रहा है? मान लो इसी केस की बात करें तो मेरे पास क्या आया था? 412 आया था मान लेते हैं. तो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो 2 से डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0. सिंपल बात, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट हमको चेक करना है. अगर यूनिट डिजिट ऑड नंबर है तो उसका रिमाइंडर 1 होगा फॉर 2, और अगर इवन नंबर है तो रिमाइंडर होगा 0. आइए अब हम लोग थोड़ा सा कुछ सम्स के तरफ मूव करते. ये थोड़ा सा अजीबो गरीब टाइप के सम्स है जिसमें आपको स्पेसिफिकली हमको कंसेप्ट बताना पड़ेगा, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली सम्स को करवाऊंगा और कंसेप्ट को बताऊंगा. ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119 लीव्स द रिमाइंडर 19. इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 देन द रिमाइंडर विल बी. एक बात याद रखना, मान लो मैं तुमको एक बात बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, एक नंबर है 40, मैं अपने मन से दे रहा हूं. या मान लो एक नंबर है 41, उसको जब आप 8 से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा ना. वही नंबर 41 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचा? 1. वही नंबर अगर आपके पास 41 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचा? 1. ये तो तब हुआ ना जब उसके फैक्टर्स है. कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई बड़ा नंबर उसको डिवाइड कर रहा है तो छोटे नंबर को भी डिवाइड होना पड़ता है या होता है. मतलब हम इसमें क्या देखें कि क्योंकि 119 पहले डिवाइड हुआ और अब 17 को डिवाइड कर, तो ये चेक करो कि क्या 119 17 से डिवाइड हो रहा है. बस ये चेक करो क्या 119 17 से डिवाइड हो रहा है, हां या ना. तो हमने देखा ये 7 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है. मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, मेरे लिए ये मैटर करता है कि क्या वो डिवाइड हो रहा है. हां सर, वो डिवाइड हो रहा है. तो आपके पास जो रिमाइंडर है 19, उसी को 17 से डिवाइड कर. समझ में आया? जो नंबर पहले डिवाइड हुआ था, जिससे डिवाइड हुआ था
और जिससे बाद में डिवाइड करना है, इन दोनों को चेक कर लो। और जनरल केस में इस लेवल पे या इससे थोड़े ऊपर लेवल पे हमेशा इसी तरीके का क्वेश्चन होता है कि वो दोनों आपस में डिवाइड होता है। अगर वो आपस में डिवाइड हो रहा है तो जिसको डिवाइड करना है उसको रिमाइंडर से डिवाइड कर दो। बताओ रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई? रिमाइंडर आया 2। आंसर इज 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लो अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय कोई भी एक नंबर रख लो, बट नॉट अ प्राइम नंबर। बताओ कि जब वो 19 से डिवाइड होगा तो कितना रिमाइंडर छोड़ेगा। तो ये क्या चेक करना है कि 171 क्या 19 से डिवाइड हो रहा है? हाँ सर, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है ना, तो रिमाइंडर को 19 से डिवाइड करो। 25 बाई 19 रिमाइंडर विल बी 6। सिंपल, इस तरह के सम्स आपको मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर 3। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। एक नंबर जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो 3 रिमाइंडर बचता है, तो अब वो नंबर क्या होगा? तो तुम अपने घर अपने दिमाग से सबसे छोटा नंबर पकड़ो, तो वो नंबर आपके दिमाग में आएगा 8, क्योंकि 8 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 मिलता है। 13 भी होगा, 18 भी होगा, 23 भी होगा, होने दो ना, हम छोटे नंबर को चेक करेंगे। तो एक नंबर जब 5 से डिवाइड हुआ तो 3 छोड़ा, तो हम उस नंबर को क्या माने? 8। आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इसका स्क्वायर That is 64। इसीलिए मैंने कहा था छोटे नंबर को लो। अब 64 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो हमने हमें पता है कि रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। सर ये तो आप अपने मन से बोल दिए 8 ले लो, मेरा मन कुछ बड़ा कहता है। अरे बड़ा कहता है तो बड़ा ही ले लेते हैं। मान लो 13 कहता है, क्योंकि 13 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर छूटता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। जब इसको 5 से डिवाइड करते हो तो 5 यानी क्या बचेगा रिमाइंडर? 4। समझा क्या? ओके ग्रेट। तो अभी पता है मैं 5 से डिवाइड भी नहीं किया, मैंने क्या देखा? लास्ट डिजिट 9। 9 और 5 में कितना का दूरी है? 4। समझ में आ रहा है क्या? अगर वो 5 से छोटा नंबर होता, 5 होता तो रिमाइंडर 0 होता, 4 होता तो 4 से 0 को चेक करेंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 कहता है 0 एंड 5। 5 से बड़ा है तो उसके डिफरेंस, 5 से छोटा है तो 0 से चेक करो। तो ये बुद्धि लगाना है। ओके, तो कंसेप्ट क्लियर है? आइए अभी क्वेश्चन देखिएगा। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 300 एंड 500 इन विच 4 कम्स ओनली वन टाइम। ओके, अभी इसको एक तो तरीका यह है कि बैठ के चुपचाप लिखते रहो। 300 से 500 के बीच में कितने नंबर हैं जो 4 सिर्फ एक बार आए? अभी मैं तुमको ट्रिक दिखाऊंगा, उसको उससे आप आगे के सम्स को कर पाएंगे। 300 से लेकर 399 के सीरीज को चेक करें। भैया 3 डिजिट नंबर होगा, ये बात तो आप अग्री करते हो। अच्छा 4 एक ही बार आना चाहिए, ये बात सियोर है। अच्छा 3 डिजिट नंबर होगा जिसमें यहां पर जो 3 है वो फिक्स्ड है, यस और नो? पक्का 3 फिक्स्ड है? अभी अगर हम यहां पे 4 रखते हैं तो हम यहां पर क्या रखेंगे? 0 1 2 3 4 नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक ही बार आना चाहिए। 5 6 7 8 9 कितना नंबर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौ केस हुआ, हुआ ना। सेकेंड 300 से बड़ा, सेकेंड केस में 4 को मैं अब लास्ट में रख दूं, तो अब यहां पर यही चीज वापस आ सकता है,
यानी 9। समझ में आ रहा है? एक बार मैंने बीच में 4 रखा तो लास्ट डिजिट पे 4 को छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि 300 से 399 का सीरीज है तो स्टार्ट तो 300 से ही होगा, ये तो तुम चेंज नहीं कर सकते। मेरे पास ऑप्शन दो ही नंबर, एक मिडिल नंबर और एक लास्ट नंबर, दैट इज सेकंड प्लेस एंड फर्स्ट प्लेस, यूनिट डिजिट एंड टेंथ डिजिट। तो टेंथ डिजिट पे जब हम 4 रखते हैं तो यूनिट डिजिट पे हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन 4 नहीं रख सकते क्योंकि 4 को हम रिपीट नहीं कर सकते, राइट? और अगर हम टेंथ डिजिट पे 4 रखते, सॉरी यूनिट डिजिट पे 4 रखते हैं तो हम टेंथ डिजिट पे 4 को छोड़ के कोई भी 9 नंबर रख सकते हैं, यानी कितने टोटल केस हो गए, 18 केस हो गए। कोई दिक्कत है तो बोलो। पक्का है ना? अभी हम 400 से लेके 499 के केसेस को देखेंगे, 400 से लेकर 499 के केसेस को देखेंगे। तो जब हम 4 को सामने रखेंगे पहले प्लेस पे, 4 को सामने रखेंगे पहले प्लेस पे, देखो अभी ऐसे तो तुम कहोगे कि सर टोटल यहां पे 99 डिजिट्स होता है ना, लेकिन उस 99 के डिजिट्स के अंदर में या वो 100 डिजिट्स के अंदर में आपके पास 444 भी है जहां पे 4 एक बार से ज्यादा आया, 404 भी है जहां 4 एक बार से ज्यादा आया, 414 भी है जहां पे 4 एक बार से ज्यादा आया। तो ऐसे सिचुएशन है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा तरीका मैं आपको दिखाता हूं, आप एक कोई भी प्लेस पे 4 रख दो, ठीक, बाकी दो डिजिट पे, क्योंकि यहां पे फर्स्ट डिजिट हमको 4 रखना है क्योंकि 400 से 499 का केस है, तो स्टार्टिंग डिजिट तो 4 होगा। अभी यहां पर आप 0 से लेकर कोई भी नंबर रख सकते हो, 0, 1, 2, 3, बट 4 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, यानी यहां पे आप 9 डिजिट्स को रख सकते हो, और सेम वे यहां पर भी 9 डिजिट्स को रख सकते हो क्योंकि बाकी 400 हो सकता है, क्योंकि 0 रिपीट हो सकता है, 4 रिपीट नहीं हो सकता, तो वापस 9, 9 इधर, 9 इधर, 9 इंटू 9 81, टोटल करके बताओ कितना हुआ, 81 प्लस 9 90 प्लस 9 99, आंसर इज 99। तो ये बड़ा सिंपल तरीका था रिलेटिवली कि आप उसको लिख के करो, ये बहुत इजीएस्ट तरीका माना जाता है। मान लो अगर मैं तुमको कहूं कि बताओ मेरे भाई, चलो मैं दूसरे सम्स को देखता हूं, क्योंकि मेरे को लगा कि ये सम्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 501 से 700 के बीच में नंबर्स को लिखना है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एज डिजिट 6 अपीयर। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें ये बोला गया है कि रिपीट होने का कोई प्रोबेबिलिटी? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं बोला गया। तो क्या करेंगे, जब रिपीट नहीं होना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि देखो 501 से लेके 599 के केस में, ध्यान से सुनना, वही चीज को वापस करेंगे, 1, 2, 3, पहले प्लेस पे तो 5 आएगा, ये तुम्हारे बस में नहीं है, इसको हटा दो। अभी ये जगह पर आप कोई भी 10 डिजिट रख सकते हो, 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी 10 डिजिट रख सकते हो, हाँ या ना? जब यहां पर आप कोई भी 10 डिजिट रखोगे तो बाकी यहां पर कुछ भी हो सकता, मतलब 501 से 599 के केस में 6 इस प्लेस पर आएगा, मिडिल नंबर पर आएगा, वो 10 बार होगा, 6 लास्ट प्लेस पे आएगा वो 10 बार होगा, हाँ या ना? 6 मिडिल प्लेस पे आएगा तो 10 बार होगा, जैसे कि हम ये कह सकते हैं 6, 560, 561, 562, 563, 64, 65, ऐसे करके 10 बार,
सेम वे 506, 516, 526, 36, 46, 56, 66 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रिपीटेशन करने के लिए आपको रुकावट नहीं दिया गया। हाँ या ना? तो यहां पे कितने हो गए नंबर? 10 और 10 20 नंबर हो गए। कोई दिक्कत? अभी 600 से लेकर 700 के बीच में कितने नंबर होते हैं? 100 नंबर होते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। 600 से लेकर 700 के बीच में कितने नंबर होते हैं? 100 नंबर होते हैं। सर आंसर नहीं आया सर, सोचो फिर से देखो। If all the numbers from 501 to 700 are written, what is the total number of times does the digit 6 appear? तो 6 कितनी बार अपीयर करेगा? तो 500 से 1 और 500 से 99 के बीच में आप ये देखें कि भाई 10 10 हुआ। अभी 600 से 700 के बीच में 6 this this मतलब 601 602 ये तो 100 बार हो गया। अभी सेकेंड डिजिट पे, सेकेंड डिजिट पे फिर 6 10 बार आएगा और लास्ट डिजिट पे 6 वापस से 10 बार आएगा, तो कितना हो गया? 10 प्लस 10 100, 10 और 10 कितने हो गए मेरे भाई? 140 डिजिट्स। यस और नो? कितने हो गए टोटल? 140 डिजिट्स। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इस चीज को समझा रहा हूं आपको एक बार वापस से। जब डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे, 500 से लेकर 600 599 के बीच में फर्स्ट प्लेस पे 5 रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। सेकंड प्लेस पे 6 होगा 10 बार और फिर लास्ट प्लेस पे 6 होगा 10 बार, तो यहां 10 टाइम्स और 10 टाइम्स। जब 600 से स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ 600 वाले से लेकर 699 तक या 700 जो बोलो यार कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट प्लेस पे 100 बार होगा, सेकंड प्लेस पे फिर 10 बार होगा और फिर थर्ड प्लेस पे 10 बार होगा, तो कितने हो गए टोटल? 140। अभी आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट? ओके वेरी गुड सर, आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे एक सिंपल सा सम्स है, क्या बोल रहा है? इन अ बॉक्स ऑफ 10 मार्बल्स देयर आर 3 लेस व्हाइट मार्बल्स देन द रेड वंस एंड 5 मोर व्हाइट मार्बल्स देन द ग्रीन वन। इफ देयर आर अ टोटल ऑफ 10 व्हाइट मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन द बॉक्स? तो वेरी सिंपल है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्बल, वन इज व्हाइट मार्बल, वन इज रेड मार्बल एंड द अदर वन इज ग्रीन मार्बल। What I have been provided with, sir, white marbles है 10। जी सर, अभी पढ़िएगा। There are 3 less white marbles than the red one. Red से 3 कम है white, तो red कितना हो गया? 13। और 5 white marbles ज्यादा है green से, अगर white 10 है तो green कितने हो गए? 5। Answer is 28। कितना easy समझता मेरे भाई, बस इसका concept clear होना चाहिए। तो आई गेस आपको ये बात जो है वो क्लियर हुआ कि इस तरह के सम्स को हम कैसे करेंगे। यूनिट डिजिट भी मैंने कवर किया, फ्रैक्शन रिमाइंडर थ्योरम भी मैंने कवर किया, मैंने डिविजिबिलिटी रूल भी आपको अच्छे से समझाया। अच्छा, एक मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल के केस में 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने कहा था कि मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा, वो अब बताने का समय आ गया है। तो उसको कैसे करेंगे एक बार वो देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फोर फाइव सिक्स नाइन फोर ए फाइव सिक्स फोर थ्री टू डिविजिबल बाय 7 है, ये एक नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, बताइए कि ए क्या होगा? What will be the value of A?
तो मैंने क्या देखा, ऑप्शन में दे रहा हूं ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू 4। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि 7 का रूल में हम लोग ट्रिपलेट का गेम खेलेंगे, बोले थे ट्रिपलेट का गेम खेलेंगे, तो हम यहां भी ट्रिपलेट का गेम खेलेंगे, एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप। अच्छा सर, ये जो ट्रिपलेट है वो पीछे से करेंगे कि आगे से? पीछे से, थ्री 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 और ये टू बचा तो टू, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सामने से नहीं करना, पीछे से करना। ओके, तो पहला ग्रुप है ये और ये, इस दोनों ट्रिपलेट को प्लस करेंगे, 432 प्लस 694 कितना बना? 2 और 4 हुआ 6, 3 और 9 हुआ कितना 12, 4 और 6 हुआ 10, दैट इज 11। इज इट ओके टू ऑल? कितना आया? 1126 ट्रिपलेट के ग्रुप्स को। अभी दूसरा ग्रुप मेरे पास क्या बना, दूसरा ग्रुप कौन सा बना, एक बार बताने का है सर? दूसरा ग्रुप बना ये वाला, दिस एंड दिस, A56 प्लस 45। तो 6 और 5 कितना हुआ मेरे भाई? 6 और 5 हुआ 11, 5 और 4 हुआ 9, 9 प्लस 1 का रिमाइंडर 0। मेरे पास 1 आया और यहां पर है A, तो ये A तो वापस प्लस नहीं होगा, तो A+1 करेंगे। क्या लिखे? A+1, क्योंकि A कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, हमको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। ठीक, ओके। अभी हम क्या करें, किए दोनों ग्रुप्स को प्लस किए और उसके बाद इनको डिफरेंसेस निकालेंगे। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? डिफरेंस निकालेंगे। प्लीज स्टेप्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन 2021 के पेपर में है इसी टाइप का। 6 माइनस 1 5, 2 माइनस 0 2, 11 माइनस 8 और -1 कितना आया मेरे भाई? तो देखो ना, 11 माइनस ए प्लस 1, यही तो करना है। तो 11 माइनस ए माइनस 1 कितना आया मेरे पास? 10 माइनस ए। कोई दिक्कत? अब ये चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल बाय 7 है या नहीं। अब हम ऑप्शंस की तरफ मूव करेंगे। अगर हम ए की जगह पे 0 रखते हैं, अगर हम ए की जगह पे 0 रखते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा? 10 माइनस 0 दैट इज 10 और यहां 25 डिवाइड बाई 7 चेक करेंगे। तो 7 के टेबल में ये जा रहा है क्या? चेक करो, तो दिख रहा है कि ये 7 के टेबल में नहीं जा रहा है। ओके, अब हम दूसरा ऑप्शन रखेंगे 5, 10 माइनस 5 दैट इज 525 डिवाइड बाई 7, क्या ये जा रहा है? 49 और 35, यस ये जा रहा है, तो द आंसर इज बी। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। प्लीज ध्यान रखिएगा, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, ऑड वाले को प्लस करेंगे, इवन वाले को प्लस करेंगे, डिफरेंसेस निकालेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर को लाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नंबर सिस्टम, नंबर्स। लेट्स मूव टू द न्यू कंसेप्ट दैट इज फ्रैक्शन। ओके, नाउ फ्रैक्शन के केस में ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, फ्रैक्शन के केस में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। देखो मैं तुमको कुछ ट्रिक्स बताता हूं फ्रैक्शन को लेकर, वो अप्लाई करना। अच्छा मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई एक नंबर है 1/2, 2/3, 3/7, 4/9, आपसे पूछता है मान लो कि लार्जेस्ट नंबर बताओ, क्या बताना है या कौन सा लार्जेस्ट नंबर है और बड़ा नंबर है ये बता। अब आपके लिए इंडिविजुअली सॉल्व करना समय वेस्टेज है। दूसरा एक ट्रेडिशनल तरीका है कि 2 3 7 9 का एलसीएम लो और वो कॉमन करो और इस तरीके से करो। प्लीज भाई मैं उसके पीछे नहीं जाता, मेरा ट्रिक के पीछे जाओ। क्या है, क्या करना है, सबके सामने एक एक शून्य बैठा दो, 0 बैठा दो। बैठा दोगे? ओके सर, बैठा देंगे। 10/2, अच्छा पूरा सॉल्व नहीं करना, 10/2 कितना आया? 5।
ट्वेंटी बाई थ्री सिक्स से कुछ बड़ा है, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। थर्टी बाई सेवन फोर, ट्वेंटी एट आता है, फोर पॉइंट कुछ हो रहा है, हम फोर ही लिखेंगे। फोर्टी बाई नाइन थर्टी सिक्स, फोर थर्टी सिक्स डिविजिबल है, फोर पॉइंट कुछ, बोलो ना लार्जेस्ट नंबर कौन सा हुआ, सिक्स। मजा आया सर? अगर हमको यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर पूछता तो क्या करते? तो ये तो बता बेटा श्योर हो गया कि यही दोनों में से कोई स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इसको थोड़ा और आगे डिवाइड कर देंगे। तो 28 से गया 4 टाइम्स, 20 बचा, 20 यानी 2 पक्का, और 40 बाई 9 36, 40 यानी 4। सर स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? ये हुआ। एक डिजिट और चले जाएंगे, मन करेगा तो एक, अगर मजबूरी हुआ तो भैया कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिशनल से तो बहुत शॉर्टकट है ये, एक एक शून्य बैठा दो और डिवाइड कर दो, यस और नो। सो क्लियर है ये कंसेप्ट आप सबको? अभी मान लो मैं एक तरह क्वेश्चन दिखाता हूं। अ मैन स्पेंड्स 1/7 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, हाफ ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथिंग एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन एंटरटेनमेंट। He is still left with 600. How much does he spend on entertainment? अभी इसका तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है कि आप इसको properly let the number be x और 100 और 1, आपका प्यारा वो आप लेकर solve करेंगे। जब आप x, 1 और 100 को लेकर solve करेंगे तो आप एक traditional तरीके से उसको x के value में convert करके लेकर आएंगे। मेरा trick सुनो, आप अपने सारे फ्रैक्शंस के तरफ नजर बनाओ। 1/7, 1/3, फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को देखो, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो, 7 और 3 तुम्हारे पास वो नंबर है। आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। क्या करोगे? इनका एलसीएम ले लो, और एलसीएम क्या होगा? 21। कहने का मतलब है, मैं ये कहता हूं कि लेट द नंबर बी 21। कहने का मतलब समझ में आया? भैया लेना है कुछ भी लेट, मान लो कि तुम्हारे पास तुम्हारा लेट है 21, इसमें कोई रूल नहीं है कि आपको यही लेट लेना है, आप 1 भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो। तो मैंने 21 लिया, तो क्या गलत किया? बहुत अच्छा किया। सर आगे बढ़ते, स्पेंड्स 1/7 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, तो फूड में कितना उसने खर्च किया? 21 × 1/7 3, इजी हो गया ना। हाफ ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है? 21 था, 3 खर्चा हो गया 18। हाफ ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथिंग, तो क्लोथ में कितना खर्चा हुआ? 9। एंड उसका बैलेंस, बैलेंस कितना है अभी? 9। एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन इंटरटेनमेंट, तो 9 × 1/3 दैट इज 3 ऑन इंटरटेनमेंट। बोलो कोई दिक्कत किसी को? तो क्या ये लॉजिक सबको क्लियर है? लेट द नंबर बी 21, फूड इज 21 × 1/7, 3 आ गया, रिमेनिंग कितना बचा? 18। 18 में मैंने हाफ क्लोथिंग को दिया, तो मेरे पास जो सिंपल नंबर से ना वो आपको टाइम नहीं लगाएगा। ओके अभी ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू यू Your entertainment is 3. According to the let you have, now the number you have taken as a let, एक variable जो आपने लिया, according to that the entertainment is 3. ठीक है? Now tell me what is the left you have? Say, अभी तुम्हारे पास left कितना है? जल्दी से बताना। 9 था, 9 में से 3 तुमने entertainment को दिया, तो तुम्हारे पास left 6 है, yes or no? 21 से 1/7 3 निकला, 18 बचा, 18 का आधा तुमने क्लोथिंग में दिया, जो बच गया उसका 1/3 इंटरटेनमेंट को दिया, यानी 3 इंटरटेनमेंट को दिया, तो 9 से 3 निकला तो 6 बचा। अभी तुम्हारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ही स्टिल लेफ्ट विथ 600। तो क्या मैं ये लिख दूं कि लेफ्ट जो है अकॉर्डिंग टू योर लेट इज 6, अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू इज 600। तो अगर 6 रेशियो या 6 वैल्यू 600 है, तो 1 कितना होगा?
600 बाई 6 100। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट कितना स्पेंड है, 3। तो 1 = 100, 3 = 300। ये ट्रिक को प्लीज ध्यान रखो, देखने में शायद आपको बड़ा लग रहा हो लेकिन इससे सिंपल शायद मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। एक नंबर्स को लेट करो, नंबर को लेट कौन सा करोगे, फ्रैक्शन का, डेनोमिनेटर को पकड़ो, उसका एलसीएम लो, सॉल्व करो और उसको सिंपल टर्म्स में आपके वैल्यू आते रहेंगे। जो लास्ट में आपसे जो वैल्यू दिया रहेगा उसको इक्वलाइज करो अपने लेट से, 1 का वैल्यू निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, जो पूछेगा वो निकाल देंगे। हाँ या ना? अभी देखिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। इन अ विलेज 5/8 ऑफ द पॉपुलेशन आर एडल्ट्स, हाफ ऑफ द एडल्ट्स आर मेल, 4/5 ऑफ एडल्ट फीमेल्स आर इलिटरेट, 400 फीमेल्स आर इलिटरेट, देन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज। तो मैंने भी आपको बताया था कि आप अपने डेनोमिनेटर को लेट कर लो तो 8 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 40 होगा। तो लेट द टोटल पॉपुलेशन बी 40। तो 5/8 कितना हुआ, 40 × 5/8, दैट इज 25। ये कौन है, ये एडल्ट्स है। फिर क्या बोल रहा है, 4/5 ऑफ एडल्ट फीमेल्स आर इलिटरेट। तो तुम्हारे पास फीमेल्स कितने हो गए, अभी अगर आप इसको देखो तो 25 तुम्हारे पास पॉपुलेशन में एडल्ट है, हाफ मेल है और हाफ फीमेल है। अभी तुमको शायद ये तकलीफ हो रहा होगा कि 12.5 आ गया, पता है क्यों आया, क्योंकि इस हाफ को मैंने नहीं देखा था। खैर उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको क्या कहा था कि आप अपने डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो अगर एक 2 भी सामने आ जाता तो इसको मल्टीप्लाई करते तो 2 8 16 16 5 80। यस और नो, 16 5 80। तो अगर मैं इसको एक बार वापस से आपको दिखा देता हूं, क्योंकि आप 40 से भी कर सकते थे, कहोगे कि सर 40 से हो जाएगा क्या, हाँ जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, 40 से भी होगा। हम चाहते नहीं है कि आप कोई डेसिमल को फेस करो, इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी डेनोमिनेटर्स में नंबर होंगे उन सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 80 नंबर है तो 5/8 कितना हुआ मेरे पास, 50। 50 के अंदर में ये 50 तुम्हारे कौन है, एडल्ट्स है। 50 में हाफ मेल है तो यानी 25 और फीमेल है हाफ, दैट इज 25। 4/5 ऑफ द एडल्ट फीमेल्स आर मेल इलिटरेट, तो 25 का 4/5 कितना हुआ, 20। दिखा गया, फायदा दिखा। हाँ सर, तो अब तुमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 400 फीमेल्स ऐसे हैं जो इलिटरेट है, तो 20 यही है ना इलिटरेट, यही है तो फीमेल्स इलिटरेट, इलिटरेट तो 20 = 400, 1 = 20। अब आपसे पूछा क्या है, पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन को आपने क्या लेट किया था, 80 80 = 20 × 80, दैट इज 1600। आंसर इज 1600। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे इस तरीके के सम्स को हम कर रहे हैं। मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया, जब भी आप फ्रैक्शन के कोई भी सम्स देखो, किसी भी चैप्टर में देखो, सारे डेनोमिनेटर को उठाओ और एक दूसरे से सबको मल्टीप्लाई कर दो। अरे कितना बड़ा होगा, 10 से तो बड़ा, 9 से तो बड़ा हो नहीं सकता, और 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, मतलब 1 to 9 के बीच में होगा। तो ये नंबर मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, सारे नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लो। सेम केस मैंने यहां भी किया, सेम केस मैंने यहां भी किया। इज इट क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास।
आज हम लोगों ने नंबर सिस्टम और हम लोगों ने फ्रैक्शंस के सम्स को देखे। जो भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, स्केड्यूल का पीडीएफ्स एंड ऑल विल बी प्रोवाइडेड टू यू। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन अलजेब्रा एंड ये शायद अलजेब्रा है। नेक्स्ट क्लास हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। जो भी इसके डाउट्स होंगे वो हम लोग जो लाइव डाउट सेशन है उसमें हम लोग इंटरटेन करेंगे। आप प्लीज सम्स को ट्राई जरूर करिएगा। आपको जो भी डाउट हो, चाहे वो डाउट छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, प्लीज उस डाउट को लाइव आकर हमसे पूछिएगा और हम आपको उसका आंसर देंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।